रुख करेंगे बड़ी खबर का, प्रयागराज से आ रही है, जहां राज्यपाल संरक्षण आयोग ने अतीक के नाबालिग बेटों का हाल जाना है, बाल सुधार गृह पहुंचकर उनका हालचाल जाना। बाल सुधार गृह में दोनों बच्चे सुरक्षित हैं और खुश हैं। आयोग के सदस्य अनीता अग्रवाल ने यह जानकारी दी है कि अतीक के दोनों बच्चों को किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। अनीता अग्रवाल की तरफ से ये जानकारी दी गई है। राज्यपाल संरक्षण की तरफ से उनका हाल जाना गया है, बाल सुधार गृह पहुंचकर हालचाल जाना है कि अतीक के वो दोनों नाबालिग बेटे जिसको लेकर शाइस्ता परवीन ने याचिका दायर की थी, उसको लेकर अब आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने जानकारी दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। मानवेंद्र, अतीक के दोनों बेटों को लेकर क्या जानकारी दी गई है? ये देखिए, बीते लगभग एक महीने से ज्यादा समय से दोनों जो नाबालिग बेटे उनको लेकर के रहस्य बना हुआ था कि दोनों बेटे कहाँ हैं। फिर पुलिस ने रिपोर्ट लगाई कि वो राजरूपपुर बाल सुधार गृह में दाखिल उनको किया गया था, तो उसके बाद से मीडिया में उनकी कोई तस्वीर नहीं आई थी और कोई उनसे मिल नहीं पाया था। तो कल जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसकी सदस्य अनीता अग्रवाल राजरूपपुर में गई थी बाल सुधार गृह, वहाँ उन्होंने अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों से मुलाकात की और ये वहाँ से लौटने के बाद ये बताया कि वहाँ पर दोनों ठीक हैं और खुश हैं दोनों और उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, दोनों बेटे जो हैं अतीक के वो सुरक्षित हैं और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो उसके बाद जो एक सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार अतीक अहमद के बेटे कहाँ हैं, वो सवाल एक तरह से खत्म हो गया और ये तय हो गया कि अतीक के दोनों बेटे बाल सुधार गृह में हैं और स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश भी हैं। चले, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है, अतीक के दोनों बच्चों को किसी तरह की कोई कमी नहीं है, एकदम ठीक ठाक बाल सुधार गृह में मौजूद है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे में अब अतीक की गुंडागर्दी से परेशान कई लोग अब सामने आने लगे हैं। प्रयागराज के करेली के रहने वाले साबिर हुसैन ने माफिया अतीक और उसके बेटे अली पर कई आरोप लगाकर धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले यानी कि 15 फरवरी को अतीक के गुर्गे उसका अपहरण करके उसे अतीक के पास गुजरात के साबरमती जेल में लेकर पेश करना चाहते थे। तो वहीं साबिर ने पुलिस को 2019 का एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जिसमें माफिया अतीक का गुर्गा असाद कालिया अपने साथियों के साथ पीड़ित के घर पर पहुंचता है, पत्थरबाजी करता है। साबिर ने अतीक से अपनी जान का खतरा बताते हुए धूमनगंज पुलिस को दोनों मामलों की लिखित शिकायत देकर अब कार्रवाई की मांग की है। ये हमको 2019 से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं किसी एक मुकदमे में पैरवी कर रहा था, उसमें अतीक अहमद और उसका भाई मुलजिम है। मुलजिम बनने के बाद से ही इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरोकारी से उन लोगों को सजा पड़ जाएगी या उनको फांसी हो जाएगी, तभी से वो मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मुझे उठवाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी हत्या करवाने के लिए चक्कर में पड़े हुए हैं। उनके गुर्गे अक्सर मुझे जो है टॉर्चर करते हैं, रोकते हैं। और अभी जब उमेश पाल जी की हत्या हो गई, जब से पुलिस इतना ज़्यादा एक्टिव हो गई है, थोड़ा से मेरे अंदर भी हौसला जागा है कि अगर आज प्रशासन तेजी कर रही तो हमारे को भी न्याय मिलेगा। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में अतीक का एक और बेटा पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने अतीक के चौथे नंबर के बेटे को हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है और बेटे ने अपने दोस्तों के आईडी से 16 सिम कार्ड प्रयागराज के कटरा इलाके से खरीदे थे। हत्याकांड के दौरान इन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। अतीक के जिस बेटे पर सिम कार्ड खरीदने का आरोप लगा है वो इस समय प्रयागराज में बाल सुधार गृह में मौजूद है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद ने अपने साथी गुलाम के साथ दिल्ली के संगम विहार में वो रुका था और मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के नाम हैं जावेद, जीशान और खालिद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन तीनों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और इनके पास से असले भी बरामद किए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में एक और जहां माफिया अतीक का पूरा परिवार वांटेड घोषित हो चुका है, तो वहीं इस मामले में अतीक का चौंकाने वाली बात एक सामने आई। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद ने कहा कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद साबरमती जेल में बंद अतीक को उसकी पत्नी शाइस्ता ने फोन किया था और बेटे असद का नाम और फुटेज सामने आने पर नाराजगी जाहिर की थी।
इस दौरान शाइस्ता ने रोते हुए कहा कि असद बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था, जिस पर अतीक ने शाइस्ता को डांटते हुए कहा कि असद की वजह से ही वो 18 साल बाद चैन की नींद सो पाया है। अतीक ने कहा कि उमेश पाल के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी और असद शेर का बेटा है, उसने शेरों वाला काम किया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई तरह के नए खुलासे रोज सामने आ रहे हैं और अब सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद ये बात सामने आई है कि माफिया अतीक अहमद ने कहा था कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया है। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल में फ़ोन किया था और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में और तमाम तस्वीरों में असद की तस्वीर सामने आई थी, उस पर नाराज़गी जताई थी शाइस्ता परवीन ने और अतीक अहमद से ये कहा था कि असद को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, लेकिन अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन को डांटा था और ये कहा था कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया है और असद जो है वो शेर का बेटा है, उसने शेर वाला काम किया है। चूँकि उमेश पाल लगातार राजू पाल की हत्या के बाद से ही अतीक अहमद के खिलाफ तमाम मामलों में पैरवी कर रहे थे, गवाह थे और 2007 में जब अपहरण का मामला उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज करवाया था तो उस मामले की पैरवी जो उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तेज़ी से होने लगी थी और लगातार जो अतीक अहमद के विरोधी थे वो सब उमेश पाल के खेमे में लगातार शामिल हो रहे थे और उमेश पाल एक ऐसा शख्स था जो अकेले 18 साल से अतीक अहमद को परेशान किए हुए था, तंग किए हुए था। शायद यही वजह थी कि अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या के बाद कहा था कि 18 साल बाद वो चैन की नींद सो पाया है। आगरा से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।